हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई हो सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 11 और 12 जुलाई 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो इमेजेस यहां पे देख रहे हो, लेकिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देखियो। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड, और इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप हमारी आईडी के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, मतलब ईमेल आईडी के ऊपर आप लॉगिन करें, और जैसे ही लॉगिन करेंगे आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन हम आपको वो करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे जो 90 से 95% तक आपके करंट अफेयर्स में, मतलब आपके एग्जाम में आपको करंट अफेयर सेक्शन में मिलेंगे। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे, और साथ ही साथ क्विज होगा जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर्स होंगे, वीकली में भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर मिलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली सेक्शन होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपको 4 तरह के पीडीएफ्स मिलेंगे, जैसे कि डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ जिसमें करंट अफेयर 2 लाइन या 3 लाइन में होंगे, जिसमें आप करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, तो आप इन पीडीएफ का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, जो कि बैंकिंग और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का अलग से तैयार किया जाएगा, और एक क्विज सेक्शन होगा जो कि बैंकिंग और इकोनॉमी का आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आपको मिलेगी एग्जाम पीडीएफ जिसमें आप जितना भी पुराना करंट अफेयर जा चुका है वो सारा का सारा रिवाइज कर सकते हो एक ही पीडीएफ से। आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा, डिटेल तो मिलेगी लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी मिलेंगे, ताकि आप जो है वो ये भी जान सको कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो तैयार हो सकते हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स में मिलेंगे, जिसमें आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छी होगी, और खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों कवर हो रही हैं सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में, कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपने सिर्फ हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप डायरेक्टली जो है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, या फिर उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत कम है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, उसके बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर और इस नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 11 और 12 जुलाई का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और सब्सक्राइब को जरूर करें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को करने से आप हमें जो है वो क्या प्रोवाइड करोगे? मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे। और गाइस, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ज्यूरर टू बी सिलेक्टेड टू ऑफिशिएट एन ओलंपिक गेम्स, मतलब ओलंपिक गेम्स के अंदर एक ज्यूरी एक पैनल होगा, उसमें एक इंडियन को सिलेक्ट किया गया। पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को सिलेक्ट किया गया उस पैनल के अंदर, और उस पैनल के अंदर जो इंडियन को सिलेक्ट किया गया उनका नाम क्या है? पवन सिंह। तो आंसर क्या होगा? पवन सिंह, जो कि बहुत ही फेमस राइफल शूटर हैं, और साथ ही साथ आप कह सकते हो इंडिया की टीम के शूटिंग कोच भी दोस्तों रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? शूटिंग कोच। और आप यहां पे पवन सिंह का चेहरा देख सकते हो, जो कि करंटली ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर, और उनको पहला मेंबर जो है वो इंडिया में से चुना गया है, एज ए ज्यूरर आप कह सकते हो चुना गया है टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, और वो भी शूटिंग के पैनल के अंदर। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से पवन सिंह को सिलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ द ज्यूरी टू ऑफिशिएट एज द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक गेम्स इन द शूटिंग स्पोर्ट्स, मतलब शूटिंग कैटेगरी के अंदर इनको चुना गया है। और आपने याद रखना है कि जापान जो है वो होस्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है टोक्यो जो है जापान की सिटी है और वो होस्ट कर रहा है, तो उसमें कुछ मेंबर जो है वो जापान के भी होंगे। और टोटल मैं आपको बता दूं कि टोटल 26 मेंबर हैं, जिसमें से 6 जो है वो केवल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जापान से। बाकी 20 जो बंदे होंगे वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। और
जो ये पवन सिंह हैं वो केवल एक ही बंदा यार ऐसा है जो राइफल और पिस्टल कैटेगरी के अंदर एशियन कंट्री में से नॉमिनेट किया गया है, और वो भी सिर्फ कौन सी कंट्री से, इंडिया से नॉमिनेट किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखना है, और होस्ट कंट्री जापान है तो उसके मेंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थम्स अप ओन्ड बाय द कोका कोला बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन बेवरेज ब्रांड टू बिकम द वर्ल्ड वाइड पार्टनर ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडियन ब्रांड जो पीने वाला ब्रांड है उसको ओलंपिक गेम्स का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपने याद रखना है वो है थम्स अप, तो उसका वर्ल्ड वाइड पार्टनर जो है वो बनाया गया है, जो कि कोका कोला की एक पेरेंट कंपनी है। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को याद रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो बाकी नाम आप देख रहे हो ए सी डी ऑप्शन के अंदर वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर एस ओ डी आप देख रहे हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली वो मेंबर चुने गए हैं। कौन से बोर्ड के? बोर्ड के वो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के मेंबर चुने गए हैं। नेक्स्ट है सीको हाशिमोतो, ये प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स के। तो याद रखना है टोक्यो ओलंपिक के जो हैं वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कौन? सीको हाशिमोतो। और संजीव सहाय, ये रिसेंटली चेयरमैन चुने गए हैं दोस्तों पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो याद रखना है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन संजीव सहाय। तो सारी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे इसी के साथ। विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंडिया में आया है 2020 के अंदर, मात्र एक साल की बात कर रहे हैं हम। और किसकी रिपोर्ट है ये? इस रिपोर्ट का नाम है स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए ये रिपोर्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीपी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑयल गैस एंड कंपनी, मतलब ये ब्रिटिश या ब्रिटेन की आप कह सकते हो एक मल्टीनेशनल ऑयल और गैस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? लंदन के अंदर मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया को किसने सप्लाई किया है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कब से या बहुत टाइम से जो है वो इराक ही जो है वो कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट ही पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर क्या होगा? इराक होगा। अगर आपको दूसरा पूछा जाता तो सऊदी अरेबिया होगा, तीसरा पूछा जाता तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होगा, और फोर्थ होता तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि यूएसए जो है वो फोर्थ पॉइंट पे आ चुका है, पहले जो है वो काफ़ी पीछे था। और यूनाइटेड स्टेट्स बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन 2020। और आप यहां पे देख सकते हो 70th एडिशन था इस रिपोर्ट का जिसका नाम है स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2021। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स चौथे नंबर पे आ चुका है इंडिया को क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 2017 से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो इंडिया को क्रूड ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। अब अगर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो विद इन आप कह सकते हो कि 3 या 4 साल के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर जो है वो भेजना स्टार्ट कर दिया, जो कि इंडिया के जितना भी ऑयल हम मंगवाते हैं उसमें से 5% जो है वो केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही पूर्ति करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इतनी बड़ी जगह ले ली है। लेकिन अगर इंडिया को छोड़ के हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो चाइना ने सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर 2020 के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, चाइना इज द बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। इम्पोर्टर की बात करें मतलब सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो उन्होंने मंगवाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर 2020 में। तो इस चीज़ को याद करें, चाहे वो स्टोर करें कुछ भी करें, लेकिन ये हमारे पास डाटा जो है वो सामने आया है, जो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है? ब्रिटिश पेट्रोलियम, या आप कह सकते हो ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी की तरफ से। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट और आई थी दोस्तों जिसका नाम था रूटर्स रिपोर्ट, और उसमें भी ये डाटा रिलीज किया गया था कि कौन सी कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है, या कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा ऑयल को जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से आया। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को सरपास करके दूसरे स्थान पर आ गया है, जो कि इंडिया में 2021 तक सबसे बड़ी कंपनी या सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है जो इंडिया को ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब इंडिया को ऑयल भेज रही है। पहले नंबर पे तो आपको पता है कौन सी होगी? इराक ही होगा, वो तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी और रूटर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो इराक ही है। लेकिन दूसरे नंबर पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट के अंदर यूएसए चौथे स्थान पे है, लेकिन रूटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए दूसरे स्थान पे है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान से, रूटर्स और इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना है ताकि आप क्वेश्चन को कन्फ्यूज ना कर जाओ। और इस क्वेश्चन में जितनी चीज़ें थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुका हूँ, अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम खत्म कर चुके हैं, दो ही थे आज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इन तीन चीज़ों से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे करोगे तो आपको मोटिवेशन जो है, मतलब आप मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे तभी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा।
और दोस्तों एक बात और, साथ ही साथ आपने याद रखनी है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में। और पहला क्वेश्चन है, हु रोट ए डेब्यू बुक प्रेगनेंसी बाइबल, मतलब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी से दौरान क्या क्या चीजें सीखी उसको शेयर किया इस बुक के अंदर, इसलिए नाम क्या लिखा हुआ है इसका, प्रेगनेंसी बाइबल। और ये बुक उनकी पहली बुक है और नाम है उनका करीना कपूर खान। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं, और याद रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस अगर मैं कहूँगा करीना कपूर खान जी, तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है प्रेगनेंसी बाइबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत पेज, और करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल, और एक आप यहाँ पे कैप्शन देख सकते हो, द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी, जो अभी मतलब माँ बनने वाली हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश होगा इस बुक के अंदर, तो इसको ज़रूर पढ़ें। और ये बुक जो है दोस्तों को ऑथर किसने किया, अदिति शाह ने इस बुक को ऑथर किया है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस बुक को ऑथर किसने किया है, अदिति शाह ने इस बुक को ऑथर किया है। और इसके अंदर करीना कपूर ने खास करके अपने एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो शेयर किए हैं, क्या उन्होंने सीखा है वो शेयर किए हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और उनका ये अपना एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में उन्होंने एक्सपर्ट्स की राय के थ्रू भी जो है वो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, जो इंडिया के प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर, तो उनसे सलाह लेके भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेगनेंसी बाइबल पहली बुक जो है वो किसकी है, करीना कपूर खान की है। यहाँ पे आप और फाइनेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे देख सकते हो, कल्कि कोचलिन, इन्होंने रिसेंटली बुक लिखी थी एलिफेंट इन द वॉम्ब, याद रखोगे एलिफेंट इन द वॉम्ब। मेगन मार्कल जो कि प्रिंसेस हैं, उन्होंने नॉवल लिखी थी द बेंच, बहुत ही फेमस है द बेंच। नीना गुप्ता वर्सटाइल एक्टर, फाइनेस्ट एक्टर, सच कहूँ तो, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, सच कहूँ तो। तो इस तरह की बुक्स आपने याद रखनी है, स्पेशली ये जो बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ या हॉलीवुड आप देख सकते हो, मेगन मार्कल जो कि पहले एक्ट्रेस थी तो उन्होंने इस बुक को लिखा था द बेंच, और ये सारी की सारी बहुत फेमस हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, Amazon India launched its first digital केंद्र in which state? तो पहला है इसलिए important है, अदरवाइज तो Amazon ने 100 ऐसे डिजिटल केंद्र लगाने हैं, लेकिन हमने बात की है पहले डिजिटल केंद्र की, कौन सी स्टेट में सेटअप किया उन्होंने, गुजरात के अंदर। अगर एग्जैक्ट प्लेस पूछ लें तो कहाँ पे, सूरत के अंदर। आपको एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है कि दोस्तों कहाँ पे उन्होंने ये डिजिटल केंद्र लगाया, तो सूरत के अंदर उन्होंने डिजिटल केंद्र लगाया, और एग्जैक्ट प्लेस स्पेशली गुजरात के स्टूडेंट ध्यान देंगे, कृषि बाजार में उन्होंने ये पहला डिजिटल केंद्र लगाया। लेकिन इस डिजिटल केंद्र का फायदा क्या होगा, मतलब ये आपको एक शॉप की तरह दिखेगा, और इसमें क्या होगा, वो एक ऐसा सेंटर होगा जिसमें एमएसएमईज जो होंगे, लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे, उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे ई कॉमर्स के, मतलब उनका सामान जो है वो ऑनलाइन बेचने में वो सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि अमेजॉन इंडिया का ये मतलब वादा है कि हम 10 मिलियन जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको 2025 तक जो है वो ई कॉमर्स के साथ जोड़ लेंगे, मतलब उनको डिजिटाइज कर देंगे, और वो अपना सामान ऑनलाइन बेच पाएंगे, जिससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है स्पेशली COVID-19 के कारण, तो ये मतलब इतनी ज़्यादा वृद्धि जो है वो अमेजॉन इंडिया ने जो है वो कही है। और अमेजॉन इंडिया कहता है कि हम केवल जोड़ेंगे नहीं, हम आपको सुविधाएं भी देंगे, जैसे कि हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे कि सामान किस तरह से जाएगा, किस तरह से आएगा, लेके जाएगा हमारा बंदा, है ना, किस तरह से आप कैटलॉग कर सकते हो, लाइक ये आपका इस तरह का सामान होगा आप इसमें डाल सकते हो, इस तरह का सामान होगा इसमें डाल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग भी जो है वो अमेजॉन इंडिया करेगा, GST और टैक्सेशन सपोर्ट भी आपको देगा, ताकि जो डिजिटल जर्नी है आपकी वो आसान हो जाए। और एज ए पार्ट ऑफ दिस एफर्ट अमेजॉन जो है वो कितने डिजिटल सेंटर बनाएगा, 100 डिजिटल सेंटर जो है वो खोलेगा, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो कहाँ पे, गुजरात के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेट चीफ मिनिस्टर आपको पता है विजय रूपानी जी हैं, और गवर्नर यहाँ पे कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं। चार आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मिलेंगे, कौन सा, ब्लैकबक नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ पे आपको, मिलेगा वंसदा नेशनल पार्क दोस्तों, वंसदा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा मरीन नेशनल पार्क। ये सारे के सारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक, वंसदा, गिर और मरीन नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये बुक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने शायद पिक्चर को देख लिया होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी पहली कॉपी जो है वो दी गई है इस बुक की, जिसका नाम है द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिख हिस्ट्री के अंदर आप कह सकते हो सिख गुरुज के अंदर 10th गुरु हैं और लास्ट गुरु हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो देखो बुक का टाइटल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और ये बुक जो दोस्तों किसने लिखी है, बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है, लेकिन इसको मोदी जी को प्रेजेंट किसने किया है, KTS तुलसी ने किया है। तो याद रखना है ये प्रेजेंट जो है वो मोदी जी को किसने किया है, KTS तुलसी, जो कि बेटे हैं बलजीत कौर तुलसी के।
और के टी एस तुलसी खुद जो है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं छत्तीसगढ़ से, ये भी आप याद रख सकते हो। तो उन्होंने मोदी जी को ये बुक जो है वो भेंट में दी है और उसकी पहली कॉपी जो है वो मोदी जी को मिली है। तो आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पहली कॉपी दी गई द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि किसने लिखी है, जो कि बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है, और भेंट किसने की है, के टी एस तुलसी ने की है। और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, आपको पता होना चाहिए, और उनका जन्म पटना साहिब बिहार के अंदर हुआ था और लास्ट गुरु थे, क्योंकि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करके ये कह दिया था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो हमारे जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, आगे गुरु रहेंगे और हमारे मार्गदर्शक भी साथ ही साथ रहेंगे। और आपने ये भी याद रखना है केवल 9 साल की आयु में इनको गुरु गद्दी दे दी गई थी, क्योंकि इनके जो फादर थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको शहीदी प्राप्त हुई थी, उसके बाद इनको गुरु गद्दी पे बिठा दिया गया था। तो काफी चीजें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, मैं यहाँ पे जो है वो आपको एग्जैक्टली पूरी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो पंजाब के स्टूडेंट है स्पेशली, उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में याद रखना है उनको। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो और आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत फेमस है, लाइक रोनी स्क्रूवाल, आपने बॉलीवुड में सुना होगा, बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्किल इट किल इट, तो मेरे ख्याल से नाम याद रहेगा, आसान है। अमीश राज मुलमी, इन्होंने एक फॉरेन रिलेशंस में बुक लिखी थी जो कि इंडिया नेपाल और चाइना के बारे में बताते हैं, और उस बुक का नाम था ऑल रोड्स लीड नॉर्थ। तो इस बुक का थोड़ा सा नाम याद रखें, नेपाल टर्न्स टू चाइना, मतलब नेपाल किस तरह से चाइना की तरफ बढ़ रहा है इंडिया को छोड़ के, तो वो लिखिए अमीश राज मुलमी की तरफ से। और के टी एस तुलसी ने इस बुक को रिप्रेजेंट किया है मोदी जी को, बलजीत कौर तुलसी ने इस बुक को लिखा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। INS तलबर पार्टिसिपेटेड इन मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद इटालियन नेवी ऑन विच सी, तो आप ये जो सी देख रहे हो दोस्तों ये सारे मेडिट्रेनियन सी के ऊपर हैं, क्योंकि रिसेंटली आप कह सकते हो कि जो हमारे इंडियन आर्मी के हेड हैं वो भी जो है वो इटली विजिट करके आए हैं, मनोज मुकुंद नरवाने जी, वो इटली गए थे। तो मतलब INS तबर ने वहाँ पे एक एक्सरसाइज परफॉर्म की है और वो इंडियन नेवी के साथ इटालियन नेवी के साथ जो है वो परफॉर्म की गई है, और वो कौन से सी में परफॉर्म की गई है, टायरेनियन सी के अंदर। तो दोस्तों याद रखना है आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, टायरेनियन सी। और आप एग्जैक्ट देख सकते हो ये नीचे जो आपको मेडिटेरेनियन सी जो है वो दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे आपको दिख रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ऊपर जो है वो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा यूरोप, और ये रहा दोस्तों इटली जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द इटली, और उसके बीच में आपको दिखेगा ये टायरेनियन सी, ये है आयोनियन सी, ये है एड्रियाटिक सी, ये है लिगुरियन सी, और इसके बीच में आपको मिलेगा टायरेनियन सी। और जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली यूपीएससी के, वो तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। और टायरेनियन सी में ये एक्सरसाइज जो है वो हुई है इटालियन नेवी और INS तबर के बीच में, तो याद रखना है मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, और ये कौन से सी में हुई है, टायरेनियन सी के अंदर। और दोस्तों बहुत ज़्यादा नेवल ऑपरेशंस इस एक्सरसाइज के अंदर किए गए हैं, जैसे आप कह सकते हो एयर डिफेंस प्रोसीजर्स किए गए हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन ड्रिल्स किए गए हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपस में कम्युनिकेशन करने में, और साथ ही साथ डे और नाइट मोड में भी जो है वो एक्सरसाइजेस की गई हैं, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में या दोनों आप कह सकते हो नेवीज के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छे से बन पाए। और INS तबर जो है वो आजकल मेडिटेरेनियन सी में जो है वो डिप्लॉय की गई, वहाँ पर खड़ी की गई है, और इटली के अंदर पोर्ट ऑफ नेपल्स में 3 जुलाई की आई थिंक बात है, 3 जुलाई को जो है वो ये वहां पे डिप्लॉय की गई। और INS तबर जो है वो तलवर क्लास वेसल है एक तरह की, जो कि सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, और बैरक 1 मिसाइल को भी जो है वो अच्छे से जो है वो लॉन्च कर सकता है। और एक बात और दोस्तों, जो लास्ट लाइन आप पढ़ रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, वो रिसेंटली इटली विजिट करके आए हैं 7 जुलाई को, और उन्होंने इनॉग्रेशन किया है किस चीज़ का, इंडियन आर्मी मेमोरियल का, और वो भी कहाँ पे, इटली के अंदर, कौन सी जगह पे, कैसिनो जगह के अंदर। तो याद रखना है कैसिनो सिटी के अंदर इटली में जो है वो इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है वो खोला गया, ये आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे खोला गया है। और यहाँ पे इंडियन नेवी की भी बात हो रही थी, तो इंडियन नेवी के बारे में याद रखना है कि उनके चीफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्तों, एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो उनके हेड हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, टायरेनियन सी, आयोनियन मैं बता चुका हूँ कि कहाँ पे है, लिगुरियन सी आप देख चुके हो, एड्रियाटिक देख चुके हो, मेडिटेरेनियन देख चुके हो, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज हैव एग्रीड टू फॉर्म ए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लेड कॉपरेशन एक्शन प्लान,
तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिन्होंने ये एसटीआई या साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लेड कॉपरेशन एक्शन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी उसकी गाइडलाइंस उन्होंने नहीं दी हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट कर लिया। और एक खास बात आपको बताता हूँ कि ये जो कहा था कि ये हमने बनाना है, ये इंडिया की तरफ से कहा गया था और इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इंडिया का से जो है वो बढ़ चुका है। और ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कौन सी है? ब्रिक्स। आपको बताना चाहिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसकी अध्यक्षता 2021 की कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इट वॉज अटेंडेड बाय साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज फॉर ऑल ब्रिक्स कंट्रीज, मतलब पांच ही कंट्रीज हैं तो उनके सारे मेंबर्स ने जो है वो इसको अटेंड किया था। इवन और भी कई एजेंसीज ने इसको अटेंड किया था जो इसी कंट्रीज की हैं। और इस ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि एसटीआई साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर जो है वो एक इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2021 से 24, ये याद रखना है। 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से 24 का टाइम पीरियड जो है वो होगा। और ये एक्शन प्लान जो है वो इंडिया की तरफ से ही प्रपोज किया गया था। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि इस साल ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव भी होने वाली है, जो कि अगले से अगले महीने होगी, मतलब सितंबर में होगी। एग्जैक्ट प्लेस याद रखोगे कहाँ पे होगी? बेंगलुरु, या एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कर्नाटका। तो दोनों ही याद रखनी है, ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, जिसमें तीन मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी। कौन कौन से मुद्दों के ऊपर? एक तो एनर्जी सोल्यूशन, क्योंकि एनर्जी का बड़ा चल रहा है आजकल, जैसे कि कार्बन फ्री एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन एनर्जी चाहिए, नए इनिशिएटिव सीएनजी चाहिए। हेल्थ केयर के ऊपर, कोविड के बाद हेल्थ केयर के ऊपर बात हो रही है, और एक बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये तीन मुद्दों के ऊपर जो है वो यंग साइंटिस्ट कंक्लेव में होगी, जो कि ब्रिक्स की होगी, जो कि कहाँ पे होनी है? कर्नाटका के अंदर, सितंबर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अभी इसका 2021 से लेकर 24 तक का कोई प्लान सामने नहीं है कि एग्जैक्टली ये करेंगे क्या, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट जो है वो जरूर कर लिया है। तो इसका प्लान जो है वो वर्कआउट हो रहा है, तो लेट्स सी क्या होगा। लेकिन दोस्तों इसमें याद रखना है आपने कि ब्रिक्स 2021 जो है उसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है इस साल, और इसके 15 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 2006 में इसको बनाया गया था, ब्रिक के नाम से बनाया गया था, साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया था इसको। और इस साल जो है वो इसका थीम क्या है? ब्रिक्स एट द रेट 15, ये इसका थीम है। और G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस साल? इटली कर रहा है दोस्तों 2021 की। एशियान की कौन कर रहा है? ब्रुनेई कर रहा है, याद रखोगे। कौन कर रहा है? ब्रुनेई। G7 की कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी सेशन इस साल कहाँ पे हो रहा है? सिंगापुर के अंदर हो रहा है, ये याद रखोगे 2021 का। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ पे हो रही है, जिसको COP26 भी कहा जाएगा, ये यूनाइटेड किंगडम में हो रही है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, कहीं ना कहीं से आपको एग्जाम के अंदर मिली जाएंगे, और उस टाइम पीरियड पे आप मुझे जरूर याद करोगे। तो नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ काइंड एक्शन ग्रुप टू इम्प्रूव हैंडलिंग ऑफ मोबिलिटी एड्स। तो किसने ये प्रपोज किया है कि जो डिसेबल लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से सहायता देनी चाहिए, लाइक उनके स्ट्रेचर्स हैं, उनके वॉकर्स हैं, उनके क्रचिज हैं, व्हील चेयर्स हैं उनकी, उनको हम किसी न किसी तरह से या तो नए लेके आए ट्रैवलिंग के दौरान, या फिर जो है वो उन्हीं को यूज़ किया जाए, उनको बेहतर बनाया जा सके, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। खास करके ये डिसेबल लोगों के लिए है, क्योंकि यार WHO की तरफ से स्पेशली कहा गया है। क्या कहा गया है? WHO की तरफ से क्या है कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो डिसेबल हैं। अगर वो डिसेबल हैं तो इसका मतलब उनकी अगर पॉपुलेशन इतनी है, तो अगर वो ट्रेवल करेंगे एयर के थ्रू, तो उनको हमें ये एड्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, चाहे वो व्हील चेयर है, चाहे वॉकर्स हैं, चाहे क्रचिज हैं, कुछ भी है, मतलब ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए, और ऐसा पहली बार सोचा गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? मॉन्ट्रियल में मिलेगा। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है दोस्तों? कैनेडा के अंदर। तो ये इसका हेडक्वार्टर है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लॉन्च किया ग्लोबल एक्शन ग्रुप टू इम्प्रूव हैंडलिंग ऑफ द मोबिलिटी एड्स, लेकिन किन लोगों के लिए? जो डिसेबल्स हैं उनके लिए हम बेस्ट टू बेस्ट सहायता जो है प्रोवाइड कर सकें, और सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट कर सकें डिसेबल्स का, खास करके क्रचिज, वॉकर्स और व्हील चेयर्स के थ्रू। और एक्शन ग्रुप जो है वो ये एडवाइस देगा कि किस तरह से एयरलाइंस जो हैं वो अपनी पॉलिसीज बना सकती हैं, किस तरह से एयरलाइंस जो हैं वो स्टैंडर्ड सेट कर सकती हैं, और मोबिलिटी एड्स जो हैं वो किस तरह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान कौन सी सहायता आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वो आपको बेस्ट सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, और ये एडवाइस करेंगे किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी ये एक्शन ग्रुप। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मोबिलिटी एड मैन्युफैक्चरर विल बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टास्क फोर्स। इसमें जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं जो व्हील चेयर्स को बनाते हैं, वॉकर्स को बनाते हैं, क्रचिस को बनाते हैं, ताकि नई इनोवेशन के थ्रू इन चीज़ों को बनाया जा सके, और इनको इस टास्क फोर्स के अंदर भी मीटिंग्स के अंदर बुलाया जाएगा, क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट आइडिया यही कम्युनिटी दे सकती है।
तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इनकी हेल्प करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, लेकिन एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी इसलिए हमने इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर लिया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो ऐसी तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए बहुत से जो है वो एडवाइजरी ग्रुप्स बनाए हैं, लेकिन रिसेंटली फिलहाल जो है वो किसने बनाया है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से बनाया गया है। इसका सिर्फ यही मकसद है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्रीज हैं या उनकी जो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हैं उनको हर तरह की सहायता प्रदान की जा सके, ताकि उनको बेस्ट क्वालिटी की वैक्सीन, सेफ वैक्सीन या इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो कोविड-19 की प्रोवाइड हो सके, और ये है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए ये एडवाइजरी ग्रुप जो है वो बनाया गया है, और इसकी मीटिंग जो है वो जो अभी 1 जुलाई को भी हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो हैं उसकी सप्लाई जो है वो एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर जो है वो हमें बढ़ानी होगी। तो उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने फोकस किया कि किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं, और इसमें रिस्क मैनेजमेंट देखा जाएगा, कोविड-19 की वैक्सीन किस तरह से पहुंचाई जाएगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर निगाह रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसके हेड जो हैं वो मस्त सुगु हैं, इसकी मेंबर कंट्री 68 हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और जो इसके आप कह सकते हो कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, विच कंट्री एंड इंडिया हेल्ड फर्स्ट मीटिंग फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, फर्स्ट मीटिंग फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग, मतलब ये जो मीटिंग हुई है दो कंट्रीज के बीच में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हुए है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए हुई है, तो उसके लिए मीटिंग हुई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में, और ऐसी पहली मीटिंग जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हुई है। तो यूके और इंडिया ने पहली मीटिंग को होस्ट किया जो कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में है, जिसमें बैंकिंग और पेमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हैं उसके बारे में बात हुई है, और दोनों साइड्स पे ये एग्रीगेट मतलब इसको माना गया है, इसको एग्री किया गया है कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज को और भी बेहतर बनाएंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और दोनों कंट्रीज़ की सहायता इसमें लगेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, मतलब फिनटेक टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाएगा। और इंडिया, आपको पता है कि यूके सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब यूके के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेकेंड नंबर पे किसने की, इंडिया ने की है, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पे कौन है, इंडिया, जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अगर हम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और फाइनेंशियल कॉपरेशन है, और आपको पता है कि इंडिया और जो बोरिस जॉनसन हैं, जो उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये अडॉप्ट भी किया है, जिसको एक नाम दिया गया 2030 रोड मैप अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड यूके, और उसका मेन मकसद यही भी है कि हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। और यूके के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, G7 की अध्यक्षता ये कर रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको COP26 भी कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता भी यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। इसकी कैपिटल लंदन है दोस्तों, और करेंसी जो है वो स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग है, किसी भी तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ मिलिट्री फायरिंग रेंज इन गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही याद कर लें, और कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है कि इस फायरिंग रेंज का नाम क्या रख दिया गया, जिसका जो लोकेशन है वो गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में है, तो विद्या बालन जी के नाम पर रख दिया, और इसका नाम है विद्या बालन फायरिंग रेंज। तो क्यों रखा गया, विद्या बालन जी को ऑनर देने के लिए, एक बहुत ही फेमस और वेटरन एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने जो जो सिनेमा के अंदर उपलब्धियां हासिल की हैं और एज ए वुमेन जो उपलब्धियां हासिल की, उसके लिए इनको ये मतलब सम्मानित किया गया एक तरह से। और ये ओनली एक ऐसा एक्टर है दोस्तों इंडिया के अंदर जो कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर और आर्ट साइंस को जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है ऑस्कर देने वाली, तो इसलिए भी आप इनको जो है वो याद रख सकते हो। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको शामिल कर रहे हैं, तो याद रखना है सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आप इसको मतलब स्लाइड से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड ए लेटर ऑफ एक्सचेंज टू रिवाइज द 2004 रेल सर्विसेज एग्रीमेंट। तो रेल सर्विस एग्रीमेंट, अगर रेल चलेगी तो यार हमारी नेबर कंट्रीज़ में ही चलेगी, तो आपको पता है कि ये सारी की सारी नेबर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम लैंड के साथ कनेक्टेड हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, नेपाल। 2004 का जो समझौता था, जो लेटर साइन हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में, उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो रिवाइज़ किया गया है, उस रिविज़न के अंदर आप कह सकते हो एक्सपोर्ट जो होंगी गुड्स की, वो रेलवे के थ्रू इधर उधर भेजी जा सकती हैं, और ये एग्रीमेंट 9 जुलाई को ही जो है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है।
तो आप देख सकते हो इंडिया और नेपाल इंक पैक्ट टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंपिटिटिवनेस इन द रेल फ्राइट सेगमेंट। तो रेल के थ्रू सामान को इधर उधर भेजा जा सके उसके लिए जो है वो इसके समझौते को और आगे बढ़ाया गया है और इसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी क्योंकि आप कम दाम में जो है वो ज़्यादा चीज़ें बेच सकते हो। ये इंडिया की पॉलिसी है दोस्तों कि हमने आसपास की कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं नेबरहुड पॉलिसी। याद रखोगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आप इसको कह सकते हो। और इस पैक्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो भी कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स होंगे, जो भी कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स होंगे, चाहे वो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो इंडियन रेलवे का यूज़ कर सकते हैं, इंडियन रेलवे नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने सामान जो है वो नेपाल लेके जाना है या इंडिया से नेपाल लेके आना है तो इस रेलवे नेटवर्क का यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया का रेलवे नेटवर्क, नेपाल का रेलवे नेटवर्क जो है वो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जा सकता है ताकि हम सामान को इधर उधर बेच सकें ट्रेड करने के लिए। और इंडियन रेलवे के बारे में खास तौर से याद रखना है सीईओ, पहले सीईओ तो वीके यादव थे, वो रिटायर हो चुके हैं, मतलब उनका एक साल का टाइम पीरियड था, तो अभी सुनीत शर्मा जी आए हैं, याद रखना है नए सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा। और नेपाल के बारे में बहुत ही सिंपल है, काठमांडू जो है वो उसकी कैपिटल है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और करेंसी जो है वो नेपालीज रूपी है। तो ये सारी चीज़ों के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे जो कि आप पिक्चर से करोगे। आरबी एक्सेप्टेड कट ऑफ यील्ड ऑन न्यू 10-ईयर बॉन्ड एट 6.10%। तो आरबीआई ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रिलीज़ किए हैं, कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। तीन तरह के बॉन्ड्स फिलहाल उन्होंने इशू किए हैं जिसमें 26,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार के पास आएगा। मतलब ये बॉन्ड्स को बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे तो पैसा किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। तो आरबीआई किसको देगा ये पैसा, सरकार को, क्योंकि सरकार के द्वारा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू की जा रही हैं आरबीआई के थ्रू। तो ये तीन तरह के बॉन्ड्स होंगे दोस्तों, एक तो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी जो कि 2031 को मैच्योर होगी, कितने परसेंट इंटरेस्ट होगा, 6.10। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी लाइक दिसंबर 2020 में भी ये 10 साल का एक सिक्योरिटी बॉन्ड इशू किया गया था लेकिन उसका इंटरेस्ट 5.85 था, मतलब 5.85% था, लेकिन अब इसको 0.25% जो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो मतलब आप कह सकते हो गवर्नमेंट को थोड़ी सी बोरिंग्स जो है वो 0.25% महंगी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा वापस करना है ना, तो इसका मतलब बोरिंग्स क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो ये 14,000 करोड़ की ये आप कह सकते हो बोरिंग सरकार करेगी। और एक 2 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो कि 4.3% इंटरेस्ट पे होंगी, 3,000 करोड़। और एक 40 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है दोस्तों 7.18% पे, जो कि 9,000 करोड़ की होगी। तो अगर आप इसको मिला दोगे तो ये सारा का सारा 26,000 करोड़ की जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एग्रीगेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा रेज करेगी, उसको यूज़ करेगी। और दिसंबर में जो रिलीज़ किया गया था उसमें 5.85% था। और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर वो कितनी है, 6% है, ये भी आपने याद रखना है। ये भी रिसेंटली मई 2021 में ही किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी जो बैंकिंग के स्टूडेंट है वो इसको याद जरूर रखेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप पहला करोगे लेकिन उससे पहले लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और कहूंगा कि आपने जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इन सारी चीज़ों के करने के बाद हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगी और इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और इसमें एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक विल अचीव पैन इंडिया इंटीग्रेशन। तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक ये ऐसा बैंक है जिसमें आपको हर तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट की लोकेशन, कहाँ पे किस तरह के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो हैं वो वेकेंट हैं, किस तरह का टेरेन है, मतलब किस तरह का मैदान है, क्या आपको वहाँ पे खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पे मिलेगी। और जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको कहा गया है कि आप जो है वो इसके साथ इकट्ठे हों 31 दिसंबर 2021 तक। तो आंसर क्या होगा, 31 दिसंबर 2021। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया, जिसके यूनियन मिनिस्टर आप कह सकते हो कौन है, पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष वेद प्रकाश गोयल जी। तो उन्होंने कहा है कि पैन इंडिया इंटीग्रेशन होगी, जितनी भी इंडस्ट्रियल लैंड है और उनको सबको कनेक्ट किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो पोर्टल जो है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पे होगा और उसमें सब तरह के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अभी तक जो है वो 4,000 इंडस्ट्रियल पार्क्स उसके अंदर रजिस्टर हो चुके हैं, उसकी लोकेशन, उनमें क्या क्या सामान है, नेचुरल रिसोर्सेज, आप कह सकते हो कि कौन से प्लॉट्स वेकेंट पड़े हुए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी तक 4,000 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वहाँ पे मैप हो चुके हैं, 5.5 लाख हेक्टेयर जो लैंड है 17 स्टेट्स की, वो भी वहाँ पे मैप हो चुकी है। तो पोर्टल जो है वो आप इन्वेस्टर्स को हर तरह की चीज़ जो है वो बताएगा ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में पता है कौन है, पीयूष गोयल जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अपॉइंट की गई हैं वो हैं अनुप्रिया सिंह पटेल, तो जरूर याद रखेंगे अनुप्रिया पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं,
जो कि आप स्लाइड से करोगे, मतलब पिक्चर से करोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाउंडेड LIC टू हैव CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एज सेंटर स्क्रैप चेयरमैन पोस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि यार कलर चेंज कर लेते हैं। दो तीन चीजें और भी बताऊंगा इस न्यूज के अंदर आपको कि यार एक तो चेयरमैन की पोस्ट को स्क्रैप कर दिया गया है, अब जो है वो हम MD और CEO ही कहा करेंगे। जो चेयरमैन होंगे उनको हम किस नाम से बुलाया करेंगे? MD और CEO के नाम से बुलाया करेंगे। तो ये 1956 का जो एक्ट है LIC का, उसको अमेंड करके ये हमने कर दिया है और चेयरमैन की पोस्ट को स्क्रैप कर दिया है। और इससे पहले चेयरमैन जो है वो कौन थे? MR कुमार थे और चार मैनेजिंग डायरेक्टर थे दोस्तों इनके। कौन कौन? विपिन आनंद थे, आप कह सकते हो मुकेश कुमार गुप्ता थे, राज कुमार थे और साथ साथ सिद्धार्थ मोहंती थे। सिद्धार्थ मोहंती का नाम ज़्यादातर आपने सुना होगा। तो ये LIC का IPO आना है इस साल, और एक तो आपको पता लग गया MD और CEO की पोस्ट आ गई, चेयरमैन की खत्म कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा मतलब IPO आना है, आपको पता है LIC का 2021-22 में फाइनेंशियल बजट में कहा गया है, और ये जो 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू इसको किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, 100 करोड़, जो 100 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल शेयर था LIC का, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 25,000 करोड़ कर दिया, ये याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है कि LIC की जो चेयरमैन है, मतलब MD और CEO, उनकी रिटायरमेंट एज पहले 60 होती थी, वो अब कितनी कर दिया? 62। तो ये चार चीज़ें रिसेंटली LIC के बारे में चेंज की गई हैं, जो कि आपने याद रखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, MD और CEO आ गया अब 2021-22 में, जो 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए IPO इशू किया जाएगा, जो कि LIC की तरफ से होगा। 100 करोड़ ऑथराइज कैपिटल की जगह 25,000 ऑथराइज कैपिटल हो चुकी है LIC की, और रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दी गई MD और CEO की। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट देख रहे हो, नितिन गडकरी जी वर्चुअली एड्रेस 16th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसमें यार कुछ बताने वाला नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि इस मीटिंग को कौन अटेंड करेगा, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, जो कि नितिन गडकरी जी हैं, तो वहीं अटेंड करेंगे। और इसमें डिस्कस किया गया कि नए कौन से रोडवेज के ट्रेंड जो है वो फोकस कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉस्ट इफेक्टिव या पोल्यूशन फ्री अल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है ना, तो इस तरह के फ्यूल जो है वो हम बना सकते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा हुई है। और नितिन गडकरी जी बहुत ही आप कह सकते हो उमदा मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर के अंदर, नागपुर जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है फर्स्ट ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के ऊपर, और RBI की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने दिसंबर 2021 के एंड तक हमने LIBOR को ख़त्म कर देना है, मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को शिफ्ट करके हम अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट के ऊपर जाएंगे, जिसमें हम SOFR का यूज़ कर सकते हैं, हम SOFIA का यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग तरह के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो SOFR का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के ऊपर हम जो है वो ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमने फंडिंग करनी है या कोई भी इंटरेस्ट रेट देखना है तो इसको देख के हम डिसाइड करते हैं। और इससे पहले हम एक न्यूज़ मार्च में कवर कर चुके थे, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। मार्च में क्या न्यूज़ कवर की थी कि SBI और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऐसा पहला बैंक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बीच में पहली SOFR ट्रांजेक्शन हुई थी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को लेके, जिसमें LIBOR को रिप्लेस किया गया था, और LIBOR बहुत ही जल्दी जो है वो दिसंबर 2021 तक रिप्लेस हो जाएगा। एक्सिस बैंक के बारे में याद रखना है, 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, अमिताभ चौधरी इसके MD और CEO हैं, हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट आते हैं, हैती सेनेट नेम जोसेफ लैम्बर्ट एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ हैती, मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिए गए। रिसेंटली मैंने बताया था कि हैती के जो प्रेसिडेंट थे उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया था, जिनका नाम क्या था? जुवेनल मॉइस। तो याद रखोगे जुवेनल मॉइस जब उनका नाम था उनको मार दिया गया था, तो जो हैती सेनेट है मतलब हैती का अपर हाउस है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जोसेफ लैम्बर्ट को हम क्या बनाते हैं, एक बार टेम्परेरी बना देते हैं, क्योंकि फरवरी 2022 में वैसे ही इलेक्शन ड्यू हैं, तो उस टाइम पीरियड तक जो है वो यहीं रहेंगे। नेक्स्ट, FAA डेवलप्स न्यू टूल टू लिमिट डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय स्पेस ऑपरेशंस। तो स्पेस ऑपरेशंस के दौरान जो डिस्ट्रक्शंस होती थी, अब FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उन्होंने एक नया टूल डेवलप किया स्पेस डेटा इंटीग्रेटर, जिसमें जो है वो जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं या स्पेस व्हीकल जो है वो अर्थ में वापस आते हैं, तो उसमें जो रिकॉर्ड होता है डेटा वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ILS, ILS का दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, जो कि कहाँ पे है? भुवनेश्वर के अंदर है, ओडिशा के अंदर, और एक SRM इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उन्होंने एक जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ मैनग्रोव स्पीशीज को डीकोड किया है,
और ऐसा पहली बार हुआ है, और स्पीशीज का नाम क्या है? एविसिनिया मारिना। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन आपने इस वर्ड को याद रखना है, एविसिनिया मारिना। और दोस्तों इसमें क्या है कि अगर बारिश कम भी होगी तब भी ये फसल जो है वो यहाँ पे हो सकती है, मैनग्रोव जो स्पीशीज़ हैं वो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये नमक को टॉलरेट कर सकती हैं और ये मैनग्रोव स्पीशीज़ हैं। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपको पता है कम होती जा रही है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है, इसलिए इस तरह की खोज जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कम बारिश में भी ये फसलें जो हैं वो हो सकें, खास करके मैनग्रोव ट्रीज़ जो अंडमान निकोबार वेस्ट बंगाल में आपको ज़्यादातर या कोस्टल एरिया में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों एक बात याद रखनी है कि 7500 किलोमीटर का इंडिया का कोस्ट लाइन है, एग्जैक्ट बताऊंगा तो 7516.6 किलोमीटर है, तो इसको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है किसी तरह से। तो ये मैनग्रोव स्पीशीज ही हैं जो हमें प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं, जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडियन रिसर्चर्स स्पॉट रेयर सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको एरीज भी कहा जाता है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, जो कि उत्तराखंड में है। उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा जो है वो ढूंढा है। सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा वो है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है वो, उसमें हाइड्रोजन कम होती है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से जो है वो शाइन करते हैं वो, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है वो किसी और न्यूट्रॉन स्टार से जो है वो बोरो करते हैं, मतलब वहाँ से लेते हैं, और इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ढूंढा गया है। तो फिर से एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी प्री स्टेज में ये सारी इन्वेंशन हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। तो याद रखना है जो जो मैंने पॉइंट्स बताए। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि 10 जुलाई 2021 का था। क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आरबीआई एक्ट के अंदर कब इस्टेब्लिश किया गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। आंसर क्या होगा? 2016। और आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी, याद होना चाहिए, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, तो उनकी एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि 5 मेंबर की एक ऐसे करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना लेते हैं। सरकार कहती नहीं, 5 की नहीं 7 की बनाएंगे, जिसमें 3 आरबीआई के होंगे, 4 सरकार के होंगे, सरकार को तो अपनी देखनी है, तो 4 होंगे वो कहते हैं। लेकिन बीच का रास्ता ढूंढा गया तो वो कहते हैं 6 होंगे, 3 जो हैं वो आरबीआई के बंदे होंगे और 3 जो हैं वो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है भाई, बराबर बराबर रख लो, लेकिन इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो आरबीआई के गवर्नर ही होंगे, आरबीआई के गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और इसका ज़रूरी है कि साल में 4 बार मिलना ही मिलना है, मतलब एटलीस्ट जो है वो आपको 2 महीनों में 1 बार जो है वो आप मिलोगे मिलोगे, लेकिन एटलीस्ट पूरे 1 साल के अंदर 4 बार तो आप मिलोगे। वैसे ये 6 बार जो हैं वो मिलते हैं, और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और इसका मेन मकसद यही है कि इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना है, जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR, इनको फिक्स करना है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है दोस्तों हमें? ये कहता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बीम एप्लीकेशन को डेवलप किया है। जो मेरी वीडियोस को डेली सुनते हैं यार, उनको ये आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि भारत पे नेटवर्क किसका है, कौन इसको चलाता है, यूपीआई एप्लीकेशन किसने स्टार्ट की थी, 1000 times मैं ये आपको बता चुका हूँ। और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, और हर बच्चे ने आंसर करना है। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि तीनों चीज़ों करके आप हमें मोटिवेट ज़रूर करोगे, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करने के बाद आपने इस बेल बटन को प्रेस कर देना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलती रहें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को ज़रूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहें और हमारी PDFs को सब्सक्राइब कर लें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है इसका, आप चेक करें एक बार, और इस कोड से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ASH10 से। और गाइस एक बात और याद रखियो, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे, खुश रहोगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर।